मोदी ने चापलूसी करके हरिओराज खा लिया। बाकी जो कांग्रेस ने किया ना वो किसी ने नहीं किया। 2024 में मोदी आ गया तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, भीख मांगे थोड़ी करनी पड़ेगी, मांगने की मांगो खाओ। अगर हरियाणा का भला है तो कांग्रेस है तो है, वरना नहीं है। मिस्टर मनोहर लाल खट्टर अगर अपनी काबिलियत से सीएम बनता है तो हम जिंदगी भर उसकी पालच करेंगे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। ये वीडियो आप उस वक्त की देख रहे हैं जब दीपेंद्र हुड्डा की जन आक्रोश रैली जो है वो चल रही है, और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं ये इसी विधानसभा क्षेत्र के एक बुजुर्ग, उनसे हम बातचीत करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर। ताऊ जी आपका नाम क्या है? करण सिंह है। कहाँ के हैं ताऊ जी? खुंगाई। खुंगाई। ताऊ जी जरा ये बताएं कि बहुत सारे राजनीति के काल आपने देखे होंगे, बेहतरीन काम कौन सी सरकार का रहा? 83 साल का हो गया देखता देखता। बेहतरीन काम कौन सा लगा है? बेहतरीन काम कौन सी सरकार का लगा? बेहतरीन तो क्या पूछोगी बेटे, ये तो समझो कुछ ऐसी बात है, इनकी किस्मत थी जो मोदी ने चापलूसी करके हरिओराज खा लिया। बाकी जो कांग्रेस ने किया ना वो किसी ने नहीं किया। हमारा भला तो केवल दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा उन सा सीएम आ जाएगा ना वही कर सकता है, इस इलाके का नहीं, इस पूरे हरियाणा की बात करता हूँ मैं, समझे? मैं जब बंसीलाल के सीएम थे तब की बात करता हूँ, उन्होंने एक ही बात कही थी, बोला भाई साहब अगर हरियाणा में है तो कांग्रेस है और करेगी तो कांग्रेस करेगी। इसने क्या किया है? कुछ नहीं। या फिर हम ये मान सकते हैं जैसे बंसीलाल हुए, भजनलाल हुए, अगर इनके ने 2024 में मोदी आ गया तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, भीख मांगे थोड़ी करनी पड़ेगी, मांगने के लिए मांगो खाओ। ये क्या हम ये माने जैसे बंसीलाल रहे, भजनलाल रहे, ताऊ देवीलाल आए, फिर उनके बाद इनेलो का राज आया, फिर उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा का राज आया, फिर उसके बाद बीजेपी का राज आया, तो क्या इतने सालों में बीजेपी सबसे पिछले पायदान पर रही है, उसे आप इस तरह से क्यों देख रहे हैं? यदि दो मतलब 8 साल से आई है ना, कौन पूछा था इसने? जिक्र भी ना था, लेकिन ऐसे तो जब जिक्र भी ना था, लेकिन हर समय हर सरकार का नहीं हुआ है ना ये तो। ऐसे तो इनेलो भी आज एक विधायक है इनेलो के पास भी की बात है। हाँ। ये तो कभी उसका। लेकिन मेन मकसद बात ये है, अगर हरियाणा का भला है तो कांग्रेस है तो है, वरना नहीं है। तो ताऊ जरा ये बताएं, जैसे ताऊ देवीलाल की सरकार रही, भजन लाल की, बंसी लाल की, अब क्या अच्छा काम रहा इन तीनों राज्य में? इन तीनों में भूपेंद्र हुड्डा का काम बढ़िया रहा, क्योंकि जो सड़क इसने बना दी ना, आज जाके देख लो जगह जगह इतने खड्डे हैं। यह सरकार अगर चाहो तो बना नहीं सकती, लेकिन करे कौन है? अब मैं एक आरोप भी ऐसे लगाया जाता है, मैं इसलिए कुछ कहना नहीं चाहता, वरना मेरे मुंह पर बहुत वैसी बात आ रही है, क्योंकि एक बने ब्याह और सीएम बना दिया। ताऊ जरा ये बताएं ताऊ जी, अगर कोई अविवाहित है तो क्या वो देश के संवैधानिक पदों पर नहीं जा सकते? ना, हम मानते हैं ताऊ ये। हाँ। मैं तो खैर कुछ पढ़ रहा हूँ, यानी मैंने तो 60 में इंटर किया था, ये अनपढ़ आदमी है, इनसे बात करके देखो ना। इनसे भी करेंगे ताऊ, लेकिन मेरा एक सवाल है, इनसे भी मैं करूँगी, लेकिन आप ये बताएं, कोई व्यक्ति अगर अविवाहित है वो क्या इस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं जा सकते? कोई व्यक्ति अगर अविवाहित है क्या वो देश के संवैधानिक पदों पर नहीं जा सकते? क्या उनकी काबिलियत कम हो जाती है? काबिलियत कहाँ है? काबिलियत होती तो कुछ और बात होती, काबिलियत कहाँ? ये तो ऊपर वाले की वो है, उसने बैठा दिया, वो अपनी काबिलियत छाया होता मान लेते। मिस्टर मनोहर लाल खट्टर अगर अपनी काबिलियत से सीएम बनता है तो हम जिंदगी भर उसकी पालच करेंगे। अब किसकी काबिलियत जिसे जो ऊपर बैठा है उसने कर दिया, मोदी ने बैठा दिया। लेकिन ऐसा ये भी कहा जाता है कि जब चौधरी बीरेंद्र सिंह, भजन लाल, भूपेंद्र
इन तीनों का सीएम दावेदारी पे नाम आ रहा था, बीरेंद्र सिंह सीएम नहीं बन पाए, भजन लाल नहीं बन पाए, तो फिर बने भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा बनेगा अब की बार भी नहीं, मतलब काबिलियत पे भी अगर बात करें वो तो हाई कमान का है ना, वो किने बनाए भाई, वो फर्क था।